सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राज पुरोहित। और यार आज हम यार 10,000 लोग वर्सेस 10,000 रोमन है हमारे सामने और 10,000 आर्चर है। मेरे हिसाब से ये बस थोड़े उल्टे खड़े हुए हैं। ये पता नहीं ऐसे क्यों खड़े हुए, लेकिन इन लोगों की वाट लग जाएगी अगर ये देखेंगे कि यहाँ पर और भी आगे लोग हैं। देखो यार कितने लोग हैं, दोनों साइड इक्वल लोग हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, दोनों साइड, ऐसा नहीं है कि एक साइड ज़्यादा लोग है दूसरी साइड कम। पर यहाँ पर लोग देखे जाए तो यहाँ तक लोग भरे पड़े हैं पूरी तरह से। और उस साइड की बात करें तो चलते हैं उस साइड, थोड़ा फटाफट चलते हैं। तो उस साइड भी कुछ ऐसा ही हाल है। बस यहाँ पर दिक्कत यह है कि ये लोग उल्टे खड़े हैं। देखना ये रहेगा कि क्या इन लोगों का पंगा इन लोगों से जब होता है तो क्या ये सक्सेसफुली जीत पाते। कितने लोग हैं देख लो यार, मजा आएगा इस बैटल को एंड तक देखना। और देखते हैं कि क्या होता है। भाई मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इस पूरी बैटल को देखने के लिए। और इस साइड तो देखो यार लोग भरे पड़े, ये लोग है, ये और कोई नहीं है। देखो यहाँ पर क्या नजारा है। और हम फिर से बीच में चले जाते हैं और अब हम बैटल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओ सेट, यहाँ पर बैटल अपना स्टार्ट हो चुका है। देख रहे हो लोग लड़ रहे हैं। OMG, यहाँ पर ये क्रशिंग सीन चल रहा है। OMG, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और साउंड इफेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक वाला है। OMG, यहाँ पर हार्ट शेप बना हुआ है यार। देखो यार यहाँ पर हार्ट शेप बना है थोड़ा बहुत। फाइटिंग बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है भाई। ये देखो यार, अब यहाँ पर मार काट ऐसी हो रही है ना खतरनाक वाली। अब पता ही नहीं है कि कौन सी टीम ज्यादा भारी पड़ रही है। हर जगह से यहाँ पर लड़ाई ही हो रही है। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड टोटल ट्रूप्स रिमेनिंग देखने को मिलेंगे टीम वन के। यहाँ पर 30,000 से ज्यादा लोग किल हो चुके हैं और टीम टू के 3,700, 3,800, 99,000, मतलब 99 लाख। बाकी भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत फैंटास्टिक है। और हमारी बैटल कुछ ज्यादा ही खतरनाक रहने वाली है। अभी टीम वन के ज्यादा ट्रूप जो है रिमेनिंग है। ये देखो यहाँ पर फ्रेश बैटल स्टार्ट हो रही है और लोग साइड से आ रहे हैं। पीछे से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, इस साइड भी पीछे से जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। 98 लाख, मतलब 9,89,000, अच्छा 9,10,000 थे। तो यहाँ पर 9 लाख लोग अभी भी बचे हैं। बकायदा यहाँ पर सीन ऐसे चल रहे हैं, आवाज सुन रहे हो, जो रियलिस्टिक आवाज है। 9 लाख सैनिक अभी भी बचे हैं टीम वन के पास। लेकिन ट्रूप्स टीम टू की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर उनके पास 9,40,000 बचे हैं सिर्फ। तो यह हमारी टीम टू है। टीम टू की तो भाई हालत खराब है, लेकिन अब यहाँ पर टीम वन बहुत भारी पड़ रही है मेरे हिसाब से। पता नहीं क्या ही गाली गलौज हो रही है इन लोगों के बीच में। यार यहाँ पर बैटरी बहुत खतरनाक हो रही है सच में। पता नहीं कौन सी टीम जीतेगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
तो देखो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा क्या सीन चल रहा है। अब पीछे से भी लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखो यहाँ पर सारे पीछे वाले लोग आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे। देखो यार आराम से आपको पता चल जाएगा कि किसकी आर्मी कम है। तो जो ब्लैक सोल्जर्स है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, और रेड वाले तो भाई साहब अभी भी बहुत बाकी है। तो करीब 70,000 कम है वो। ओ माय गॉड, देखो तो सही। और ये वो जगह है जहां से हमने ये मैच स्टार्ट किया था, जहां पर ये बैटल बहुत खतरनाक रहने वाली है। भाई साहब मारे जा रहे, काटे जा रहे लोग। ये एक बहुत खतरनाक सी गेम है। ऊपर से इसका साउंड इफेक्ट जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। अब यहाँ पर देखो ब्लैक वालों ने क्या किया है, घेरना स्टार्ट किया है, एक राउंड बना रहे। तो यहाँ पर देखो ये ट्रुप चले, जाओ भाई जाओ, जल्दी जाओ। मैं यहाँ पर कोई सी भी टीम में नहीं हूँ। देखो यहाँ पर हम लड़वा रहे हैं, सिर्फ खून का सैलाब नजर आ रहा है आपको, कितना खून यहाँ पर नजर आ रहा है। और इन लोगों के पैरों के निशान भी यार, ये देखो यहाँ से आप देखते हैं विजुअल। भाई बहुत खराब मारा जा रहा है। अब देखा जाएगा, आपको साफ साफ क्लियर आउट हो जाएगा, इस साइड सिर्फ इतनी ही सेना बची है। और उस साइड की बात करें तो भाई ये रेड टीम बहुत खूंखार है। 96,730 यहाँ पर सैनिक बचे हुए अभी भी टीम वन के पास, और यहाँ पर टीम टू सिर्फ 84,000। देखो ये नज़ारा आपको और कहीं नहीं दिखेगा। 10,00,000 सोल्जर, मतलब 1,000,000 वर्सेस 1,000,000 का वॉर है। और इस वॉर में कौन जीतेगा अभी तक कोई क्लियर आउट नहीं है, और मज़ा दुगना होगा जब यहाँ पर चीज़ें और ख़तरनाक होती जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि क्या सीन है, ब्लैक टीम के पास इतने ज़्यादा सोल्जर्स नहीं है, और रेड टीम तो मारे ही जा रही है। रेड टीम बचा, देखो यार छोड़ नहीं रही किसी को। देखते हैं मरने के बाद ये सोल्जर्स कहाँ गायब हो जाते हैं, कैसे क्या कुछ होता है। ओए होए ओए होए, ये लोग तो बहुत खतरनाक है। मरने के बाद इन सोल्जर्स की बॉडी इधर ही पड़ी रहती है क्या, तो हमें एट द एंड लास्ट से देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर रेड टीम जो है गोल घेरा बना रही है। देखो यहाँ पर घेर लिया इन लोगों ने यहाँ पर इन सबको। बहुत बहुत खतरनाक है ये। अब रेड टीम भारी पड़ रही है। अब देखो यार, अब आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो गई। ये वॉर है रेड टीम वर्सेस ब्लैक टीम। ₹77,000 सोल्जर्स अभी बचे हैं ब्लैक टीम के पास, और वॉर अभी भी जारी है। यहाँ से देखे तो बहुत खतरनाक, इनके हाथ
इनके नीचे पैरों के तले यहाँ पर आपको सारी बॉडीज नजर आएगी जो ब्लैक सोल्जर्स की है। देखो तो सही, मतलब जब ये बैटल एंड होगी बहुत ज्यादा आपको बॉडीज नजर आएगी। अमेजिंग, लिटरली ये अमेजिंग चीज है। सही है, अब हमारे पास ब्लैक टीम का 74,000 यूनिट पड़ा है और रेड टीम का 94,000। पता है रेड टीम कम हो ही नहीं रही है ऐसा लग रहा है, और जो ब्लैक टीम है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है डिक्रीज होती जा रही है। ओके, यहाँ पर खून खराबा कुर और ज़्यादा जा रही है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो बहुत सारे सैनिक आ चुके हैं ब्लैक टीम के, और मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ब्लैक टीम ने शायद ही कोई रेड टीम का आदमी को मारा होगा। एक चीज़ है, इनके पास भी जो है ढाल वगैरह है, सारी चीज़ है। ओ माय गॉड, यहाँ पर मुझे लगता है खतरे की घंटी बज गई है। खून खराबा कुछ ज़्यादा ही हो कर दिया मैंने, 1 मिलियन वर्सेस 1 मिलियन, भाई ये वॉर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रखा है। वन मिलियन वर्सेस 1 मिलियन, लेकिन यहाँ पर स्टिल 71,000 ट्रूप्स बचे हैं। चलते हैं उस साइड, क्योंकि उस साइड हमारा एक यूनिट जो है, मुझे लग रहा था कि ये लोग होल राउंड करके सारी ब्लैक टीम को मार देंगे, तो हमें वो ही देखना है। और जो बैकग्राउंड साउंड है इस गेम का वो बहुत ही फैंटास्टिक है। ये मज़ेदार लड़ाई पता नहीं कब तक चलेगी और कितने खूनों की होली खेली जाएगी। ये तो पक्का है कि यहाँ पर ब्लैक टीम हार सकती है। ये ट्रूप्स पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। अभी तक देखो यहाँ पर किसकी बॉडी है, एक रेड टीम का पहली बार मुझे बंदा दिखा है जिसकी बहुत बेरहमी से हत्या हो, पर वो किसी और को मार के मरा है। यार ये लड़ाई मैंने बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से करवा ली। रेड टीम ने अभी तक 33,000 सैनिकों को मार दिया। 33,000 है या 3,10,000 है यार, मैं 1,00,000 का सोच के बैठा हूँ कब का। ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। नो मर्सी, थोड़ा बहुत मुझे अंग्रेजी समझ में आ रहा है। ये पिंक कलर का क्या? ओ भाई ये पिंक कलर नहीं, नदिया बह रही भैया, ये क्रेजी है। अभी तक ब्लैक टीम ने करीब 64,600 यूनिट, मतलब टीम वन के लोगों को मार दिया है, जो बहुत कम है क्योंकि इन्होंने तो अभी 35,00,000 को तो मार ही दिया है। 3,54,000, फिर से मैंने गलती कर दी, 3,54,000 लोगों को। माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा मैंने बुरा सोचा था। मैंने ऐसा सोचा था कि शायद यहाँ पर 10,000 यूनिट आएंगे, लेकिन यूनिट ज़्यादा है। अब यहाँ पर चीज़ें सेम होती, बट यहाँ पर मैंने जो रेड टीम है उसकी हेल्थ को 500 कर दिया है, और यहाँ पर जो ब्लैक टीम है उसको चेंजेस नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से अगर वो चेंज करता तो यहाँ पर इक्वल आपको
नजर आता कि हम ज्यादातर देखते कि ये टीम बॉल बैटिंग सामने आती, और ऊपर से इन लोगों का क्या है पता है, रेड टीम का मैंने डैमेज भी इंक्रीज कर दिया, तो रेड टीम जो है एक बार मारेगी तो 100 पॉइंट कम होंगे सामने वाली टीम के प्लेयर के, 200 पॉइंट के प्लेयर है तो भाई दो बार में ही सारे प्लेयर ख़त्म। तो ये चीज़ देखकर मैं हक्का बक्का हूँ। अब सिर्फ करीबन हमने जो है 6 लाख सैनिक बचे अभी, और इधर 9,17,000 सैनिक बचे। अब करीब 3,86,000 मारे गए टीम ब्लैक। बहुत वीक पड़ रही है इस वॉर में। जो एक बहुत बुरी चीज है। तो यहाँ पर स्लो मोशन में हम देख रहे हैं कैसे ये लड़ाई में मार काट हो रही है। वाह क्या बात है। चलो इसका फास्ट तो ये सारे मॉडल्स और मोड्स जो है वो चेकआउट कर रहा हूँ कि क्या कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आधी टीम बढ़ चुकी है इस साइड, खून का सैलाब है। ये स्लो मोशन बहुत सही है, और इसमें आपको पता चल गया कैसे यहाँ पर वॉर को इनिशिएट किया गया था हमने, और अभी सिर्फ 5,59,000 सोल्जर्स बचे हैं टीम ब्लैक के। आई डोंट नो एंड तक कितने बचे रहेंगे जब ये वॉर पूरी तरह से एंड होगा। स्टिल अभी 5 लाख ट्रूप्स बचे हैं, और करीबन 4,38,000 सोल्जर्स मर चुके हैं टीम 2 के। टीम 1 अभी भी अपने 99,55,000 सोल्जर्स के साथ आ गई है। मैंने जैसे आपको बताया था कि इस में मैंने चेंजेस किए थे इस सोल्जर्स के, और इसकी वजह से ये बैटल जो है थोड़ा एक तरफा रहा, और ये बैटल एक तरफा अगर नहीं होता तो हमें और मज़ा आता, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसमें और ज़्यादा जोर देंगे। फाइव लैख 29,000 सोल्जर्स रिमेनिंग फ्रॉम टीम 2। ये वॉर काफ़ी ज़्यादा लंबी चली है, और मेरे हिसाब से मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर आपको करीबन 10 लाख सोल्जर्स देखने को मिलेंगे, दोनों टीम के 10-10 लाख, मतलब 1 मिलियन सोल्जर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो ये खून है, ये लाल कलर का जो देख रहे हो ना आप, ये खून है।
टीम ब्लैक का एकदम चीटी की तरह लग रहे हैं ना सब, मुझे भी ऐसे लग रहा। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके के यूनिट्स हैं। अब सिर्फ 5 लाख के करीब करीब जो है ट्रूप्स बचे हैं टीम ब्लैक के पास। आई डोंट नो टीम ब्लैक कैसे सरवाइव कर पाएगी, खून की इतनी नदियाँ है। लोगों को ऐसे मारा जा रहा है घेर घेर के, खासकर टीम ब्लैक को तो एक उनके प्लेयर को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है सच में। अब सिर्फ 484,000 ट्रूप्स बचे हैं टीम ब्लैक के पास, और जो भी ट्रूप्स पीछे की साइड है अब वो चल के आगे की साइड आ रहे हैं। देखो ये भाग रहे हैं, भागो भाई भागो भागो भागो, उन लोगों को मारो, हाँ मारो भैया मारो। जब 50 लाशें गिरती है ब्लैक ट्रूप्स की, तब जाके एक लाश गिर रही है रेड ट्रूप की। ये सबसे अमेजिंग है, ये सबसे फैंटास्टिक है। खून की नदियाँ बहते जा रही है। मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है कि मैंने ये लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई करवाई। इस गेम में बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है। आप देखो यहाँ पर कैसे मारा जा रहा है, और ये अपने ढाल से बच ही जा रहे हैं। तो हमने अभी स्लो मोशन किया था, अब देखो यहाँ पर कुछ हद तक देखा जाए तो अब यहाँ पर घेर घेर के मारा जा रहा है। देखो अब यहाँ पर आधी टीम ब्लैक निकल चुकी है इस साइड। ये सारा हो रहा है इस पहाड़ के लिए। यहाँ पर थोड़ी शांति लग रही है मुझे, कब का ये आवाज़ें सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है भाई सच में मैं किसी बैटल में हूँ, और ये चीज़ बहुत रियलिस्टिक है। 426,000 ट्रूप्स अभी भी बचे हुए हैं। और टीम रेड मारे जा रही है, टीम रेड रुक नहीं रही है। आय हाय, एंड तक देखना रहेगा कि कौन जीतता है। अभी मेरे हिसाब से मुझे पता है कि यार टीम रेड जीतेगी, लेकिन लास्ट में कौन सा प्लेयर बचा रहेगा जिसे पूरे के पूरे 90 लाख सैनिक मारेंगे। फिर से मैं गलती कर भैया, 90 लाख नहीं 9 लाख बोल रहा था, काउंटिंग में थोड़ा बहुत लोचा है अपना।
तो अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। इस गेम में मैं बिल्कुल नया हूँ, लेकिन गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ट्रूप्स चले, पता नहीं कौन सी साइड जा रहे हैं ये लोग। सिर्फ 3,70,000 सैनिक बचे हैं और ट्रूप्स मरे जा रहे हैं। लाशें देखनी है। OMG, ये लाशें तो देखो। I'm shocked. लाशें बिछी हुई है। तो ये एक रियल गेम सिमुलेशन है जो आपको एक रियल वॉर के बारे में बताता है कि अगर एक रियल वॉर हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है। और एंशिएंट टाइम में कुछ इस तरीके की ही चीज़ें होती थी जो इस गेम में आपको बखूबी दिखाई देती है। लाशें देख सकते हो आप अभी अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हो ना, ये लाशों का अंबार। माय गॉड, ये सारे ब्लैक सोल्जर्स हैं। इसमें रेड सोल्जर्स भी है कुछ। यहाँ पर अब रेड टीम ने अब यहाँ पर धावा बोल दिया है पूरी तरह से। अब ये ब्लैक टीम आई वापस। मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी तरह से राउंड करके मारा जाएगा। तो उस साइड का नज़ारा देखकर आता है, उस साइड क्या सीन चल रहा है। मेरे हिसाब से अच्छे ही चल रहे होंगे जो भी चल रहा होगा। ब्लैक टीम पे के पास अभी कोई चारा नहीं है। देखो यार, मारे जा रहे हैं। रेड टीम बहुत भारी पड़ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि रेड टीम ऑलरेडी बहुत भारी है और दो घाव में ही मार दे रही है। अब देखते हैं कितने क्या कुछ बच्चे। 2,99,000 सैनिक बच्चे। वाओ, अब टीम रेड हर जगह नजर आ रही है। और दूसरी चीज़ टीम ब्लैक और टीम टू की लाश है। और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ख़राब है यार, सच बताओ तो एक एल हार्ट वार्मिंग है बहुत ज़्यादा कि चीज़ें कैसे हो सकती है। ये चीज़ें देखकर आपको अंदाज़ा लगा होगा कि एंशिएंट टाइम, ये एंशिएंट टाइम के ही सोल्जर्स हैं। तो एंशिएंट टाइम में क्या कुछ हो सकता था। ये रोमन सोल्जर्स है पहले ही बता दूं। अब देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2,75,000 सैनिक बचे हैं। विजुअल को कुछ इस तरीके से देखे तो यहाँ पर अब समझ में आ रहा है क्या पंगा हो रहा है। अब तो यार यहाँ पर हमें क्लियर कट रिज़ल्ट मिल रहा है कि कौन जीतने वाला है। और दूसरी चीज़, हमें सिर्फ खून ही खून नज़र आ रहा है।
यहाँ पे भी आपको खून ही नजर आएगा, इनके पैरों के नीचे खून ही है सिर्फ। यहाँ पर के रेडी हो रहे, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते यार क्या होगा। सिर्फ 2,40,000 के करीब सेना बची है भाई, कुछ ज़्यादा ही। मैं अंग्रेजी से हिंदी में आ गया, लेकिन हाँ अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है हमें। देखो यहाँ पर अब देखो ये चीज सबसे खूंखार। आज दिन तक मैंने जितनी भी गेम्स खेली है, ये गेम टोटली रियलिस्टिक के मामले में, भले ये सिर्फ 8 GB की गेम है, लेकिन गेम में जो चीज़ें हैं वो बहुत रियलिस्टिक है। अब यहाँ पर खेल ख़त्म मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पर क्या हो गया, रेड टीम अब पीछे से भी आ रही है और पीछे से भी वार कर रही है। अब ब्लैक टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सैंडविच बने जा रही है। 8,42,000 सैनिक अभी भी पड़े हैं टीम वन के पास, और यहाँ पर सिर्फ 2,13,000 के करीब सेना पड़ी है। ये अमेजिंग है, तो ये लोग अभी जा रहे हैं उस साइड। सिर्फ 1,96,000, अब तो सिर्फ 95,000 ही बचे। मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेना बची हुई है टीम ब्लैक की। वाओ, टीम रेड कंटिन्यूअसली जो है पीछे से आ रही है, और अब घेर के मारा जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हर तरफ सिर्फ टीम रेड का दबदबा है, अब इन सब को मारा जा रहा है। लुक एट दिस, अब यहां पर ये सारी सेना धीरे धीरे करके सारी चीजें मिटा रही है। ये चीज देखकर मुझे बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि क्या गेम है ये। अभी फिर भी इस साइड जो लोकेशन है ना, ये वाला पार्ट अभी भी बहुत ज़्यादा सैनिकों से भरा हुआ है, ट्रूप से भरा हुआ है, सैनिक बहुत ज़्यादा है इसमें, तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये भी साफ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे लगता है कि अब रेड सेना कुछ इस तरीके से हमला कर रही है कि जो है
देखो अब यहाँ पर हमें क्लियर आउट सारी चीजें होगी। अब थोड़ा ये सैड म्यूजिक जो है स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 150,000 ट्रूप्स बचे हैं टीम टू के। टीम टू ने करीब 155,000 के करीब सेना को मारा है रेड टीम को, और यहाँ वही टीम वन ने 839,000 ट्रूप्स को मारा है। बार बार उन चीज़ों को देखने से मज़ा नहीं आता। हम उस साइड चलते हैं वापस क्योंकि उस साइड वाला पंगा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि ब्लैक के पास टीम है ही नहीं। देखो अभी ये डिवाइड होते जा रही है पर ब्लैक टीम के पास जो है सेना है ही नहीं और रेड टीम अंदर आते ही जा रही है। अभी ये इस वाले पेड़ तक पहुंच गई है, पहले ये इधर तक नहीं थी। अब देखते हैं आगे लाशों के ढेर देखने हैं तो हम लास्ट में चलते हैं। वाओ विजुअल बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। ये लाशें है दोनों टीम की। वन मिलियन वर्सेस वन मिलियन ये लड़ाई थी जहाँ पर अब सिर्फ 124,000 सैनिक बचे हैं टीम ब्लैक के। और इनके तो यार 88,25,000 ये चीज़ देखकर मुझे यार ऐसा हो रहा है भाई क्या गेम बनाई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अब वाट लग गई है इन लोगों से पूरी तरह से। सेना बहुत कम बची है, टीम ब्लैक के पास अब सिर्फ 110,000 सेना बची है। और फिर भी मुझे लग रहा है कि यार इन लोगों के पास अभी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 1,00,000 लोग मतलब यार बहुत होते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था करीब 1,00,000 ट्रूप्स वर्सेस 1,00,000 ट्रूप 1 मिलियन वर्सेस 1 मिलियन और यहाँ पर अब सिर्फ 1,00,000 बचे 106,000 और इतनी स्पीड से कम हो रहे हैं कि क्या बताओ। अब देखो यहाँ पर टीम रेड ने पहले वो उस पेड़ तक थे, देखो मैंने बताओ आपको इस पेड़ तक यहाँ पर जो है टीम रेड थी। अब टीम रेड रेडी है आगे जाने के लिए और आगे बढ़ती जा रही है टीम रेड इसी को छोड़ेगी लिए। इसी वजह से यहाँ पर ये वॉर मेरे हिसाब से टीम रेड जीत ही जाएगी, यहाँ पर कोई दो राय नहीं। चलो यार उस साइड चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ सीन चल रहा है। सच में ये गेम बहुत ही एपिक है और बहुत ही ज़्यादा फैबुलस तरीके से इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर टीम रेड ने ऑलमोस्ट सारे ट्रूप्स को मार दिया है इस जगह वाले एरिया का, जो भी एरिया था ये यहाँ का सारा कच्चा चिट्ठा साफ कर दिया इन लोगों ने। सच बता रहा हूँ अब यहाँ पर सिर्फ बचे हैं कुछ ही सैनिक।
अब सिर्फ यहाँ पर 78,000 ट्रूप्स ही बचे हैं टीम ब्लैक के पास, और टीम रेड तो भाई माला माल है, 8,17,000 अभी भी उनके पास ट्रूप बचे हैं। तो लास्ट टाइम हम जब गए थे इस साइड तो यहाँ पर ये लोग उस पेड़ तक आए थे, अब यहाँ पर और आगे आते जा रहे हैं, और अभी ये लोग इधर हैं और मारे जा रहे हैं, बस लोगों को घेर घेर के मार रहे हैं। इन लोगों को तो पता नहीं कि इनकी हालत पीछे पीछे तो देखो यार पीछे कौन आ रहा है, ये पीछे नहीं देखेंगे तो भाई मर जाएंगे। अब यहाँ पर क्लियर कट आउट हो रहा है, देखो यार ब्लैक एक साइड रेड एक साइड, चीज़ें एकदम क्लियर है। 68,000 सेना अभी भी बची है टीम ब्लैक के पास, अभी इस टीम को जीतने का कोई मतलब यार पता ही नहीं है यार ये टीम जीतेगी भी या नहीं। ओए होए होए क्या बात है, ये लोग रेडी है मरने के लिए, और तो क्या ही कह सकता हूँ। देखो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का विजुअल है, मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा जब हम इसके एंड पर पहुँचेंगे कितनी लाशें बिछेगी। देखो यहाँ पर ऑलरेडी पीछे की साइड हम देखें तो उधर कितनी लाशें हैं वो हम देखते हैं। और टीम रेड देखो यार हाला लेकर तैयार ही है भाई, मारने लगेंगे ये लाशें देख रहे हो। लोगों को कैसे कैसे मारा गया, पैर कटे हुए पड़े हुए हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर इस साइड से भी कुछ इसी तरीके की हालत है। अब देखा जाए तो सिर्फ 50,000 ट्रूप्स बचे हैं टीम ब्लैक के, तो इस साइड देखते क्या सीन है। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है टीम ब्लैक ख़त्म हो चुकी है इस साइड के एरिया में, सेना जा रही है फिर भी जितने भी बचे हैं वो अपनी अंतिम तैयारी कर रहे हैं। 42,000 अभी भी जो है सेना बची हुई है टीम टू के पास, लेकिन टीम वन यहाँ पर लीड रोल पर है, घेर घेर के मार रही है और पूरा राउंड बना रही है। यहाँ पर 36,000 ट्रूप्स बचे हैं, और अब यहाँ पर इस जगह से लोग जा रहे हैं उस साइड, ट्राई कर रहे हैं वो रेड आर्मी को रोकने की, लेकिन रेड आर्मी जो है भाई इनका खात्मा करके रहेगी। 1 million vs 1 million था ये, और यहाँ पर विजुअल आपके सामने है क्या सीन चल रहा है। सिर्फ 30,000 के करीब अभी अभी जो है सेना बची हुई है, और उनके पास 8,99,000 माय गॉड 8,09,700 भाई, गणित में इतना कच्चा मैं पता नहीं कब था, पर आज हो रहा हूँ थोड़ा नर्वस भी हूँ। और वैसे यहाँ पर अब देखा जाए तो टीम रेड आती जा रही है इस साइड से, देखो ये आई टीम रेड, ये पहाड़ के लिए इन लोगों ने इतनी सारी कुर्बानी दी। और टीम रेड अभी हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच चुकी है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये चीज़ कुछ इधर से,
मारे जा रही है टीम रेड, खून के सिर्फ सैलाब नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ पर टीम रेड के पास सिर्फ ऑप्शन है इन लोगों को घेर के मारने का, सिर्फ 20,000 सैनिक बचे अभी भी, अभी भी बहुत लग रहा है मुझे, जो एक एक करके मरे जा रहे हैं बस। तो टीम रेड देखो, और इस साइड का तो अंबार हमें देखा ही नहीं कि कितने मरे। तो इस साइड 22, हाँ लुक एट दिस दोस्तों, बहुत अमेजिंग विजुअल है जो आपको देखने को मिल रहा है कि टीम ब्लैक और टीम रेड दोनों के सेना है जो कुछ इस तरीके से मरी हुई है, पड़ी हुई है। वो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा लाशों का अंबार है, समझ नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करोगे ये चीज़। बहुत अमेजिंग है, सिर्फ 13,000 बचे भाई, अभी तो फटाफट जाना होगा, और जाते जाते ही हमें मुझे लगता है कि 10,000 ही बचेंगे लास्ट। विक्ट्री के बाद क्या होता है देखते हैं। अब टीम रेड देखो यार यहाँ तक पहुँच चुकी है, और अब यहाँ पर विजुअल आपके सामने, टीम ब्लैक का पूरा लाइन का अंबार बना है। टीम रेड बहुत खतरनाक है वैसे देखा जाए तो, टीम रेड ने चुन चुन के सबको मारा है, और अब सिर्फ 8,000 सेना बची है। स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 8,000 है, लेकिन सामने है 8,6,582। वाह इतनी परफेक्ट हिंदी, वाह वाह। फर्स्ट टाइम है जब हम ये गेम खेल रहे हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस गेम में, आपको जो चीज़ें देखने में मिलती है वो बहुत अमेजिंग है। ये चार लोग इतने सारे सैनिक के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं भाई, इन लोगों के एक एक मिनट में खात्मा हो रहा है, किसी को बचा ही नहीं, बकता ही नहीं जा रहा है टीम रेड की तरफ से। टीम रेड और टीम ब्लैक, अब सिर्फ 4,000 सैनिक बचे हुए हैं। अब देखो टीम रेड कहां तक पहुंच चुके हैं, ये होता है टीम। अब देखो सब तरफ से घिरा गया है ब्लैक, और सिर्फ 2,000 सैनिक बचे, मारे जा रहे सैनिक। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाँ अब ये कम है सैनिक, तब के मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे भाई, अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस साइड देखो यार टीम रेड, रेड आर्मी तो भाई यार क्या बात करें, इतनी ज़्यादा है, सिर्फ 900 सैनिक बचे। अगर इसे स्लो मोशन में देखें तो बहुत मज़ा है, इनकी आंखें देख रहे हो, सबको मारना इनका काम है, यह टीम रेड। सिर्फ 300 सैनिक बचे, अब यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ इस तरीके का विजुअल्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ और यहाँ पर सिर्फ 4 और 1 रोमन सोल्जर्स
जीत चुके हैं ये बैटल 1 million vs 1 million। ये बैटल बहुत ही शानदार थी और लाशों के ढेर देखे जा सकते हैं। सराहनीय काम किया रोमन सोल्जर्स ने। तो ये यहाँ पर आपको लाशों के ढेर देखने को मिल रहा है। बहुत ही अमेजिंग गेम है। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट को बनाएंगे अगर इस वीडियो को 100 लाइक मिल जाती है, सिर्फ 100 लाइक। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।